नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन गोल्ड प्लांट में आपका। तो आइए एक और पौधे के आपको कटिंग कैसे लगाते हैं उसके विषय में आपको बताएंगे दोस्तों। तो देखिए ये मेरे पास में मैं लाया हूँ कटिंग, इसकी काट के बहुत बड़ा पौधा हुआ था तो उसकी कटिंग मेरे को मिली है। ये तो इसका नाम है सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जाते हैं और जानते बहुत सारी ड्रेसिना के नाम से भी लोग इसको पहचानते हैं। ड्रेसिना में कई वेराइटियाँ होती हैं, ड्रेसिना बेरीगेटेड, ड्रेसिना महात्मा, ड्रेसिना कई वेराइटी होती है। ये ड्रेसिना की वेराइटी है, सॉन्ग ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। तो इसकी कटिंग आपको लगा के बताएँगे किस प्रकार से लगाते हैं। तो देखिए ये जो पौधा है सॉन्ग ऑफ इंडिया ड्रेसिना बेरीगेटेड, तो इस प्रकार से है। ये जो कल्ले कल्ले है ये मान के चलिए आप इस प्रकार से इसको यहाँ से कटिंग करेंगे। ये मैंने काटा है और इस प्रकार से जो मेन ऊपर का इसका पोर्शन रहता है वो कल्ला, उसको इस प्रकार से काटें आप और ये इस प्रकार से काटेंगे। और दूसरे जो नीचे की और टहनियाँ होती है वो टहनियों का पूरी पत्ती भी आप कटिंग करके यदि इसको ऐसा निकाल देंगे ये अलग अलग करके, तो इसकी पूरी पत्ती भी नीचे वाले की निकाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आपका। ये मैंने सारी पत्तियाँ निकाल दी है और ये इस प्रकार से खाली पत्तियाँ ये जो रहेगी टहनी तो भी ये पूरा ग्रो कर लेगी, जड़ छोड़ देगी अपना। पर मेन इसका जो रहता है तने की जो सारी है टहनियाँ हैं ये मेन ये सारी मैं निकालूँगा। देखिए आप ये सब निकाल रहा हूँ एक साथ सारे ऊपर की, वो ज़्यादा नहीं, ये 8 इंच से लगभग इसकी टहनियाँ हैं। ये ऊपर की 8 इंच अपन टहनियाँ ली हैं और सबको नीचे से आधी आधी जो पत्तियाँ इसका सबको छोड़ देना है इस प्रकार से। ये सारी पत्तियाँ छोड़ लें और तो दोस्तों ये इस प्रकार से मैंने इसके ऊपर की टहनियाँ जो है वो निकाल दी है मैंने और सभी को मैंने नीचे से देखिए पूरा ये इतने से 3-3, 4-4 इंच पूरों को मैंने पीछे से पूरा इसको छील दिया है। ये देखिए पूरी इस प्रकार से मैंने इसको पत्तियाँ पीछे की निकाल दी गई है पूरी पत्तियाँ। और ये जो पत्ती सारी निकालने के बाद में बिल्कुल 3-4 इंच इसको नीचे से क्लियर कर लेना है। और इस प्रकार से निकालने के बाद में दोस्तों ये देखिए मैं ये लगा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ ये थैलियाँ हैं। थैली कोई भी साइज़ ले ले, आपको दिक्कत नहीं, बाद में चेंज कर सकते हैं। ये मैंने 6-6 के साइज़ जो ली है ये इस प्रकार से मैंने लगाया है। देखिए लगा रहा हूँ ये बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको, बस ऐसे से गीली मिट्टी जो है इसमें होना चाहिए और इस प्रकार से लगाते जाए। लगभग जितना अपन छीला है इसको यहाँ तक पूरा इसको उतार दें इस प्रकार से। ध्यान रहे इसकी जो थैली की मिट्टी वो मिट्टी नरम होना चाहिए, आसान होना चाहिए नरम, ताकि उस पर जोर ना लगे अन्यथा टहनी टूट जाएगी। ये जो है कटिंग लगा चुके हैं, तो इस प्रकार से आप इसको लगाए और 20 से 25 दिन में इसको देखेंगे आप तो इसकी जड़ें आपको दिखेगी और जड़ आ जाएगी। तो आप चाहे
जो आपके पास शोपीस जो गमला हो, डिजाइन वाला गमला हो, आप घर में इसको रोप करके और आपका जो है घर में इसको सजा सकते हैं। धन्यवाद, बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे ग्रीन गोल्ड प्लांट पे, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।